स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। और आप बच्चों को तो पता ही होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं, इकोलॉजी का। सो इकोलॉजी की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो क्या है इकोलॉजी? होती है जी इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही था। देखिए, अगर आपको मैंने कितने क्वेश्चन करवाए तो इकोलॉजी क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। सो आज हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो है जी क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑन द फिजियोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। तो क्लाइमेटिक फैक्टर क्या चेंजेस ले आते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर? बहुत से चेंजेस हो जाते हैं, जैसे ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर आप नोटिस करो, जैसे जीरोफिटिक एरिया जहां पे पानी बहुत कम है, तो पानी कम होने से वहां पर बेटा जीरोफिटिक एरिया में प्लांट्स में तो चेंज आया ही आया, एनिमल्स में भी चेंज आ गया। अगर आप प्लांट्स को नोटिस करो तो आप देखोगे कि प्लांट के अंदर आप नोट करोगे, जैसे कैक्टस प्लांट हो गया, कितने प्लांट हो गए जिनके अंदर जो लीव्स हैं वो रिड्यूस हो गए और लीव से क्या बन गया, थॉर्न्स बन गए, कांटे बन गए। क्यों? ताकि वहाँ पे ट्रांसपीरेशन कम हो, क्योंकि पानी तो वैसे ही कम अवेलेबल है। और पानी ज़्यादा होगा, पानी कम होगा तो सारे का पानी अगर पानी ट्रांसपीरेट हो जाएगा यानी उसके एरियल लीव से उड़ जाएगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। और दूसरा, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे संकन स्टोमेटा होती हैं, ऐसी स्टोमेटा होती हैं जो रात को ओपन होती हैं ताकि वाटर लॉस कम हो। इसी तरह एनिमल्स में क्या चेंज देखने को मिला, वहाँ पे आपको बेटा रेप्टाइल्स बहुत मिलेंगे और नक्टर्नल एनिमल ज़्यादा मिलेंगे। वो एनिमल होंगे जो रात के समय बाहर निकलते हैं, नाइट टाइम, चाहे वो कॉकरोचेज हों, चाहे वो स्कॉर्पियंस हों, चाहे वो स्नेक्स हों, ये सभी रात को अपना अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखा आपने क्लाइमेटिक चेंज करके कैसे फिजिकल फिजियोलॉजी के ऊपर भी फ़र्क पड़ गया, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। अब आगे आ गई पॉपुलेशन। सो डेफिनेटली बेटा जहाँ पर बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन होगी वहाँ पे वेजिटेशन के ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट होगा, वेजिटेशन भी वहाँ पे कम हो जाएगी। चाहे आप बात करो जीरोफिटिक एरिया की, चाहे पोलर रीजन की बात करो जहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, उन दोनों जगहों पे आपको वेजिटेशन कम मिलेगी। तो आइए पढ़ें, कोई भी एक्सटर्नल चीज़, सब्सटेंस या कंडीशन जिसका इफेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसको हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं, उसको हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं क्लाइमेट से, जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बेटा यानी मॉइस्चर कितना है ना, उससे लिंक होते हैं, विंड, हवा, प्रेसिपिटेशन, फायर और एटमॉस्फेयर से। अब हमारे पास इसने पूछा है, एक पर्टिकुलर फैक्टर को उठाया है इसने, प्रेसिपिटेशन वाले फैक्टर का, और पूछा है कि ये बताओ कि प्लांट्स की फिजियोलॉजी और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखो जी, इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जैसे प्रेसिपिटेशन एंड ट्रांसवेपराइजेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये रिजल्ट होता है बेटा ग्रेविटेशनल पुल का ऑन द वाटर वेपर, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो वाटर वेपर को अपनी तरफ खींचती है। अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ड्रिजल होती है, रेन होती है, स्नो होती है, स्लीट होती है, हेल्स होती है, ड्यूज और फ्रॉस्ट होती है। ये सारे एग्जांपल प्रेसिपिटेशन के हैं। ये क्यों, रेन ड्रॉप्स नीचे क्यों फॉल करती हैं, ड्यू ड्रॉप्स क्यों बनती हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और जो रेनफॉल है, बारिश है, वो मेन चीफ सोर्स है प्रेसिपिटेशन का। अमाउंट ऑन टाइमिंग ऑफ रेनफॉल डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेजिटेशन, कब बारिश हुई, कितनी बारिश हुई, ये भी बताती है कि कितनी वेजिटेशन होगी। अगर यहाँ पे किसी भी तरह की रेनफॉल नहीं है तो वहाँ पे कैसी वेजिटेशन आ जाएगी, जीरोफिटिक वेजिटेशन, कैक्टस जैसे प्लांट आ जाएंगे, ऐसे प्लांट आ जाएंगे जिन प्लांट्स के अंदर
पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी और उनकी जो बॉडी होगी वो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की बनी होगी। तो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा अपने अंदर वाटर वेपर्स को स्टोर करके भी रख सकता है। तो इसी तरह आगे अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, ठीक है, तो वहां पे ग्रासलैंड डेवलप हो जाएगा। बहुत ज्यादा बारिश होने पे ग्रासलैंड डेवलप हो जाएगा, और अगर रेनफॉल विंटर में ज्यादा है समर से, तो थिक श्रब्स बन जाएंगे। आपको याद है आपने छोटी क्लासेस में प्लांट किए थे, प्लांट तीन तरह के होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो हर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं? छोटे प्लांट होते हैं जिनकी बहुत डेलिकेट स्टेम होती है, जो हमारी हाइट से कम होते हैं। श्रब्स होते हैं वो प्लांट जिनकी हाइट हमारी हाइट के बराबर होती है, और इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो हार्ड होती है, वुडी वुडी स्टेम्स होती हैं इनकी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ट्रीज, ट्रीज होते हैं जिनकी हाइट हमसे बड़ी होती है। समझ आ रहा है? तो ग्रास एग्जांपल हो गया हर्ब्स का, लेमन एग्जांपल हो गया श्रब्स का, और पीपल और देवदार, ठीक है, यूकलिप्टस, ये एग्जांपल हो गया हमारा ट्रीज का। फिर उसके बाद अगर रेनफॉल पूरा साल चलती है, पूरा साल अगर रेनफॉल चल रही है, तो हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो आज आप देख रहे हो कि सिर्फ वाटर की जो अट्रैक्शन है अर्थ की तरफ, उससे ही कितने क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण कितना ज़्यादा आपको प्लांट में चेंज देखने को मिलेगा। अगर तो बारिश वाली जगह नहीं है, बिल्कुल रेनफॉल नहीं हो रहा, तो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स आ जाएंगे। अगर रेनफॉल हो रहा है तो आपके पास ग्रीनलैंड ग्रासलैंड डेवलप हो जाएगा। अगर विंटर में रेनफॉल ज़्यादा है समर से, तो ड्राफ्ट श्रब आ जाएंगे। और अगर सभी सीजन्स में रेनफॉल कांस्टेंट है और बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास बनेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो बेटा हमारे इंडिया में कंचनचंगा एक ऐसी जगह है, कंचनचंगा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे से बारिश पड़ती है और लार्ज अमाउंट में रेन आती है, वहाँ पे रेनफॉल होती है, इस करके वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट बन जाते हैं। अब बेटा अगला क्वेश्चन है मेरा, बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, और अब आप डिस्कस करिए प्लांट और एनिमल की इंटरेक्शंस के साथ। तो बेटा जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो वो एक दूसरे की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये बन जाते हैं बायोटिक फैक्टर। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं, जब वो एक दूसरे की लाइफ को, एक दूसरे की लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट करें, इन्फ्लुएंस करें, तो वो बन जाते हैं बायोटिक फैक्टर। अब देखो दो तरह के मेन बायोटिक फैक्टर हैं। पहला है जी पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन में जब दोनों ऑर्गेनिज्म्स को बेनिफिट हो, एक काऊ के ऊपर एक बर्ड बैठी हुई है और वो कंटिन्यूसली उस काऊ की लाइस को खा रही है, उसकी बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं उनको खा रही है, तो काऊ की बॉडी साफ हो रही है और जो बर्ड है उसका पेट भर रहा है। तो ये है सिम्बायोसिस, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म्स को क्या हो रहा है, फायदा, ठीक है, बेनिफिट हो रहा है। अब सेकंड जो है वो है नेगेटिव इंटरेक्शन, व्हेन वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड व्हाइल अदर इज हार्म्ड। बेटा नेगेटिव इंटरेक्शन की तो बहुत एग्जांपल्स हैं। जैसे आप देखो कि अगर आपको मस्कीटो बाइट करने आता है, तो मस्कीटो से आपको कोई फायदा होगा नहीं, पर मॉस्किटो क्या ले रहा है, आपसे ब्लड ले रहा है। इसी तरह लीच अगर आपकी लेग के ऊपर आ जाए, तो लीच आपकी लेग के अंदर से क्या खींचेगी, ब्लड सक करेगी, ठीक है ना। तो लीच को फायदा हो रहा है, वो ग्रो कर रही है, आपको तो नुकसान हो रहा है, पेन हो रहा है। तो ये सारी नेगेटिव इंटरेक्शन है, यानी प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है। अब आगे आपको यहां पे दिखाया हुआ है कि इंटरेक्शन जो प्लांट और एनिमल के बीच में है,
ऐसे फॉलो करती है। नंबर वन है बेटा डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप नोटिस करो जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके पैरों के द्वारा जो वहाँ पे मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर जो हमारे सीड्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं, वो भी ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कितनी दूर दूर तक वो पोलन ग्रेन पहुँच जाते हैं। इसी तरह बेटा अगला पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट पॉलिनेशन भी करते हैं, कभी किसी प्लांट फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, कभी किसी फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, तो इनके पैडेड फीट होते हैं, तो अपने पैडेड फीट में वो क्या ले जाते हैं, पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल प्लांट टू एंथर ऑफ मेल फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। और लास्ट में एसोसिएशन ऑफ एंट एंड हायर प्लांट्स। एंट फूड लेकर आती हैं प्लांट से और इंटर्न्स एक्ट एज अ बॉडी गार्ड का भी काम करती हैं, तो अगर कोई भी उस प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रीडेटर आता है तो एंट उसको काटती हैं, तो प्रीडेटर वहाँ से भाग जाता है। तो बच्चों ये मेरा आज का लेक्चर था, होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।